आज मैं बनाने वाला हूँ बैंगन का भरता। ढाबा में बैंगन का भरता कैसे बनता है और वो क्या क्या डालते हैं, वो सब चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार आप इस तरीके से बैंगन का भरता अपने घर में बनाओगे तो बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और इसके लिए कोई बाहर का मसाला नहीं चाहिए, हम अपने घर के मसालों से बनाएंगे ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता। बैंगन की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, तो जाकर मेरी वीडियो को देखो। और जो मेरे चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। नैन की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ मैंने 400 ग्राम के आसपास बैंगन लिया है, आप देख सकते हो। और उसके लिए दो प्याज बारीक कटा हुआ और दो टमाटर बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और 100 ग्राम के आसपास मटर लिया है यहाँ पर, और 10 लहसुन की साबुत कली ली है और 3-4 लहसुन बारीक कटा हुआ। चलिए बैंगन का भरता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बैंगन लेना है और उसके अंदर हम 3 कट लगाएंगे। जो हमने पहला कट लगाया इसके अंदर हमें लहसुन की कलियां डालनी है। अब हम दूसरा कट लगाएंगे। इस तरीके से हमें 3 कट लगा लेना है अपने बैंगन में। बैंगन के अंदर 3 कट लगाने के बाद यहाँ पर हम तीनों कट के अंदर लहसुन की कलियां डालेंगे। तरीके से तीनों कट के अंदर हम लहसुन की कलियां डाल देंगे। बैंगन के अंदर लहसुन डालने के बाद इसे हम आग पर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने एक लोहे का स्टैंड लिया था, ये मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैंने ये ले लिया है बैंगन पकाने के लिए, वरना आप गैस पे भी पका सकते हो। स्टैंड रखने के बाद हम गैस को ऑन कर इसके ऊपर हम बैंगन को चारों ओर से पकाएंगे। बैंगन को हम हर 2 मिनट के बाद पलटा लेंगे। इस तरीके से मैं हर 2 मिनट के बाद अपने बैंगन को पलटा लूंगा। बैंगन को पकने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा आपका। 6 मिनट हो गया बैंगन को पकाते हुए, और हम ऊपर से भी अच्छी तरह बैंगन को पका लेंगे ताकि हमारा बैंगन कच्चा ना रहे अंदर से। बैंगन का भरता खाने का मजा कब आता है आपको पता है? जब हम गैस पर इसे अच्छी तरह भून कर बनाते हैं, जो उसका फ्लेवर आता है ना खाने में वो वैसे नहीं आता है जैसे बॉयल कर बनाते हैं, वो बात नहीं आती है बैंगन के भरते में। और यहाँ पर हमारा बैंगन अच्छी तरह पक चुका है, आप देख सकते हो। बैंगन को हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हम अब इसके सभी छिलके निकाल लेंगे। आराम आराम से हम सारे बैंगन के छिलके निकाल देंगे, अभी भी ये थोड़ा गर्म है। यहाँ पर हमने अपने बैंगन के सभी छिलका निकाल लिया, आप देख सकते हो। अब हम इसकी डंडी ऊपर से काट देंगे। चाकू से काट कर हम बैंगन की डंडी हटा देंगे क्योंकि डंडी का कोई काम है नहीं। डंडी काटने के बाद बैंगन को हमें चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। तरीके से हम पूरे बैंगन को बारीक बारीक कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बैंगन रेडी हो चुका है बारीक बारीक होकर। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर हम 4 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हमें अच्छी तरह गर्म करना है। तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को हमें हल्का सा सॉटे कर लेना है, और एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे और 3-4 लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसे हम हल्का सा मिला लेंगे। यहाँ पर हमें जीरा लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा पका लेना है जिससे उसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन जीरा सोटे होने के बाद यहाँ पर हम 2 प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे।
यहाँ पर हम अपने प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। यहाँ पर हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, हमें ज़्यादा ब्राउन करना नहीं है। प्याज मिलाने के बाद यहाँ पर हम दो टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे और ऊपर से हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। प्याज और टमाटर मिलाने के बाद यहाँ पर हम ढक कर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर लगभग हमारा सभी टमाटर गल चुका है, आप देख सकते हो, और तेल भी हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। और टमाटर को मिलाने के बाद यहाँ पर हम सभी मसाला डालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डालने के बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और अब हम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें अपने मसाले को कम से कम 30 सेकंड के लिए मिलाते रहना है, जिससे मसाला हमारा अच्छी तरह पक जाए। मसालों को मिलाने के बाद यहाँ पर हम 100 ग्राम मटर डालेंगे और मटर को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर आप इस तरीके से बैंगन का भरता बनाओगे तो बिल्कुल पानी नहीं डालना है हमें। मटर को मिलाने के बाद यहाँ पर हम ढक कर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मसालों का कलर कितना प्यारा आया हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और तेल भी हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है मसालों से। यहाँ पर हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे ऊपर से और स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह मिला लेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिलाने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से बैंगन डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। यहाँ पर हमें 1 मिनट के लिए बैंगन को अच्छी तरह मिलाते रहना है। बैंगन के अंदर जितना भी पानी है वो सारा सूख जाएगा, इसलिए हमें बैंगन को 1 मिनट के लिए हिलाते रहना है। हमें बिल्कुल ढाबे जैसा बैंगन का भरता बनाना है, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर बैंगन को मिलाते हुए 1 मिनट हो चुका है और पानी जितना भी बैंगन का था वो सारा सूख चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम बैंगन के भरते को ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बैंगन के भरते में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, बट आप देख कर समझ गए होंगे कि हमारा बैंगन का भरता कितना अच्छा बना है। यहाँ पर हमारा ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बनकर एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना आसान था बैंगन का भरता बनाना, और वो भी हम अपने घर के मसालों से बनाया है। यहाँ पर हम ऊपर से फ्रेश धनिया के पत्ते डाल के गार्निश करेंगे और उसके साथ बारीक कटा हुआ अदरक के लच्छे डालेंगे। और ये हमारा ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता बनकर रेडी हो चुका है। फटाफट जाओ इस रेसिपी को बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री में होता है, तो इसमें कंजूसी ना करें, फटाफट सब्सक्राइब करें मुझे। Thank you.